नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 3G कटिंग पे और सीखेंगे क्या है ये 3G कटिंग, क्यों करनी चाहिए हमें, कैसे करते हैं, किन फसलों पे कर सकते हैं, इस कटिंग के फायदे क्या हैं और कभी कभी ये कटिंग फेल क्यों हो जाती है। चलिए समझते हैं क्या है 3G कटिंग। यह एक ही पौधे से ज़्यादा फल लेने की बहुत ही आसान तकनीक है। इस तकनीक में हम नर फूलों की तुलना में मादा फूलों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि फल तो मादा फूलों में ही लगते हैं। आमतौर पर मुख्य शाखा में 90% नर फूल होते हैं, उससे निकलने वाली दूसरी शाखाओं में 50% नर फूल होते हैं और थर्ड जनरेशन की शाखाओं में 90% मादा फूल होते हैं। तो इस तकनीक में हम थर्ड जनरेशन की शाखाओं को बढ़ाते हैं। इसको मैं आगे डिटेल में समझाता हूँ। क्यों करनी चाहिए हमें 3G कटिंग। कमर्शियल दृष्टि से देखें तो ये पौधों का उत्पादन बढ़ाता है। अगर आप घर में, छत में, अपने आंगन में एक पौधे लगाते हैं जहाँ जगह की कमी होती है, तो एक ही पौधे से आप पूरे परिवार के लिए सब्जियाँ उगा सकते हैं। कैसे करते हैं 3G कटिंग। उदाहरण के तौर पे अगर आपने बीज से लौकी का पौधा उगाया है तो बीज से निकलने वाली मुख्य शाखा को 10 पत्तियाँ आने तक बढ़ने दें। 10 पत्तियों के बाद इस मुख्य शाखा की टिप को काट दें। यह फर्स्ट जनरेशन शाखा होती है, इसमें 90% नर फूल ही आते हैं। मुख्य ब्रांच से निकलने वाली किन्हीं दो शाखाओं को बढ़ने दें, इन्हें हम सेकंड जनरेशन शाखा कहते हैं। इन दो शाखाओं के अलावा बाकी सारी शाखाओं को तोड़ दें। सेकंड जनरेशन शाखाओं को भी 10 पत्तियों के आने के बाद इनकी टिप को तोड़ दें। सेकंड जनरेशन शाखाओं में नर और मादा फूलों का अनुपात 50% होता है। इसमें भी आपको फल मिलेंगे, परंतु हर पत्ते में फल नहीं मिलेगा। सेकेंड जनरेशन शाखाओं से निकलने वाली किन्हीं दो या तीन शाखाओं को सेलेक्ट करें और इनको बढ़ने दें। ये हैं हमारी थर्ड जनरेशन शाखाएं। इसमें 90% मादा फूल आते हैं और इसमें हर पत्ते के बाद आपको एक फल मिलेगा। एक पौधे में केवल दो या तीन थर्ड जनरेशन की शाखाओं को ही रखें, क्योंकि इसके हर पत्ते में फल लगते हैं। इसमें खाद का स्पेशल ध्यान रखें। हर सप्ताह थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैविक या रासायनिक खाद दें। आप इसमें सरसों की खली, गोबर की खाद या DAP यूरिया वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। किन फसलों में आप 3G कटिंग कर सकते हैं। लौकी, करेला, खीरा, कद्दू, तरोई, तरबूज, अंगूर आदि नार वर्गीय सब्जी या फलों में आप 3G कटिंग करें। बैंगन, भिंडी आदि तने वाली सब्जियों में आप 1G कटिंग करें। 3G कटिंग के फेल होने के कारण। अच्छे बीजों का प्रयोग ना करना। पौधे में दो या तीन से ज़्यादा थर्ड जनरेशन शाखाओं को रखना, जिससे फल तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन उनका साइज छोटा हो जाता है। तीसरा कि चूँकि फल ज़्यादा लगते हैं, खाद का उचित प्रबंधन अगर नहीं होता है तो फिर फल कम लगेंगे और साइज़ भी छोटा होने लगेगा। अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो थर्ड जनरेशन शाखाओं से कम दो शाखाएं और निकलने दें। ये फोर्थ जनरेशन शाखाएं होती है, जहां पे हर पत्ते में दो लौकी लगती है। परंतु अगर आप घर पे या अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो दो या तीन से ज़्यादा 3G शाखाओं को बिल्कुल ना रखें। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।